सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपानिता आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ड्राई सोयाबीन मसाला, और इसे रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और मैंने जिस तरीके से सोयाबीन मसाला को बनाया है, बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो मेरे इस रेसिपी को देखिए। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोयाबीन और आलू को फ्राई कर लिया है और इन्हें अब मैं निकाल लूँगी। अब सेम कढ़ाई में एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सोयाबीन और आलू को तेल में फ्राई किया हुआ था। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब डाल देंगे कुछ ड्राई मसाले जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। अब मसालों को लो फ्लेम में ही हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। अब मसाले जल ना जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बस थोड़ा सा, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरीके से पक जाए। अब ये मसाला थोड़ा सा पक गया है, अब इसमें डाल देंगे अदरक का पेस्ट और इसे फिर से हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो अदरक का जो कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। अब इसमें डाल देंगे टोमेटो सॉस, और टोमेटो सॉस के साथ इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि ये मसाला जल ना जाए। तो मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ आलू और सोयाबीन, और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इन मसालों के साथ। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस रेडी हो चुका है ड्राई सोयाबीन मसाला। इसे रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ सर्व कीजिए।